देखिए, हम कोई भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारे पास कस्टमर्स होने चाहिए। कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब करते हैं, या कोई भी हमारा मेडिकल स्टोर है, या कोई भी हम काम करते हैं, उसके लिए हमें प्रमोशन की ज़रूरत होती है। लेकिन वो हमारा प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंच पाए, ये हम नहीं समझ पाते हैं। इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ में दिक्कत ये होती है कि वो नहीं समझ पाते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुँचा पाएँ। भाई एक समझ के चलिए, एक बात समझ के चलिए कि जब आप अपने आप को लोगों तक पहुँचाएंगे तभी लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तभी आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होगा, तभी आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो 10 तरीके जिन तरीकों को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए देखना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन बाकी उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, उनको कस्टमर्स की ज़रूरत होती है, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो में मैं आपको वो 10 तरीके बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो से, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। और अगर आप मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाएं कि उनके लिए अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उनको किन किन तरीकों का यूज करना चाहिए, किन तरीकों को यूज करके अपने बिजनेस को लोगों तक लेकर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मेहनत करते हैं, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर रात दिन लोगों से बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, लेकिन क्या जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी शिद्दत से आप लोगों से बात करते हैं, जितने तरीके यूज करके आप लोगों तक पहुंचते हैं, क्या उतना रिजल्ट आपको मिलता है, क्या उतना आउटपुट आपको मिलता है? अभी तक आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अभी तक आप हार्ड वर्क करने पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अलग तरीका लगा दिया जाए तो उस तरीके को यूज़ करके आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उस हार्ड वर्क के साथ साथ अगर स्मार्ट वर्क भी किया जाए तो आपका बिजनेस नई रफ्तार पकड़ लेगा, आपका बिजनेस उस दौड़ से आगे भागेगा जिस दौड़ को आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ, ये 10 तरीके आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आपने इसमें अपना तरीका यूज़ किया, अपना प्रमोशन किया, इन 10 तरीकों को आपने समझा तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो हम बात करते हैं वो पहला तरीका जिस तरीके को यूज़ करके कस्टमर्स आपके पास आएगा, और ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये तरीका है वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट, अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आप तक पहुंचे तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आपकी वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कस्टमर्स ऑनलाइन आए तो आपके पास वेबसाइट का होना जरूरी है। मैटर ये नहीं करता है कि आपका कस्टमर्स कहां पर बैठा है, मैटर करता है कि वो आप पर कितना विश्वास करता है। अगर कस्टमर आप पर विश्वास करता है तो वो चाहे लंदन में बैठा है, चाहे दुबई में बैठा है, चाहे कलकत्ता में बैठा है, चाहे मुंबई में बैठा है, आपका प्रोडक्ट आपसे ही खरीदेगा। लेकिन ये ट्रस्ट कैसे बन पाएगा? ये ट्रस्ट बन पाएगा आप पर, आपके विश्वास से। अगर वो आप पर विश्वास करता है, क्योंकि जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है वो पहले उसके बारे में जानना चाहता है। तो अगर कोई आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है तो पहले वो आपके बारे में जानना चाहेगा कि भाई आप का लेवल क्या है, आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके बारे में वो जानना चाहेगा, तभी जाके वो आप पे ट्रस्ट करके आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। तो पहला जो तरीका है, आपके पास आपका खुद का वेबसाइट होना जरूरी है। अगर आपके पास खुद का वेबसाइट नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन कस्टमर्स नहीं आएंगे। आपके पास कस्टमर्स आएंगे लेकिन वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। क्या आप एक लोकल शहर तक ही सीमित रहना चाहते हो या फिर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हो? अगर आप अपना दायरा बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास आपका वेबसाइट होना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी खुद की वेबसाइट बनाए। आज की डेट में वेबसाइट बनाने के जो चार्जेस हैं, अलग अलग
डेवलपर अलग अलग चार्ज लेते हैं, कम से कम 15,000 में भी वेबसाइट बनती है, 40,000 में भी वेबसाइट बननी है, 60,000 में भी वेबसाइट बनती है, और एक एडवाइजर ने तो 80,000 में वेबसाइट बनवाई है, राइट? तो आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में आप आगे बढ़ पाएं, इंश्योरेंस में आप लाखों रुपए महीना कमा पाएं, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट जरूर बनानी चाहिए अपनी। दूसरा तरीका है दोस्तों, कस्टमर जो आप तक पहुंचे, एडवर्टाइजमेंट का तरीका है न्यूज़पेपर। दूसरा तरीका है एडवर्टाइजमेंट का न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, जैसे आपने संडे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, राइट? तो वहां पर लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत कॉस्टली होता है, और यहां पर लोग, हर कोई आपका एडवर्टाइजमेंट देखता भी नहीं है, तो यहां पर पैसा खर्च होता है लेकिन यहां से रिजल्ट नहीं आता है, तो इसको मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। ये पुराना तरीका था जिस टाइम पर, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते थे, बट आज की डेट में इसको यूज नहीं किया जाता, बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको ये जो तरीका है वो रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। दूसरा, बट ये भी लोग यूज करते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना, इसको भी आप अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट ये एक्सपेंसिव है। तीसरा जो तरीका है मेरा फेवरेट, वो है गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड्स, राइट? आज की डेट में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन गूगल पर हर कोई सर्च करता है। आज हर किसी के पास, अगर लैपटॉप नहीं है तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में अगर किसी को रास्ता भी देखना है तो गूगल मैप पर जाकर रास्ता ढूंढता है, अगर किसी को शूज खरीदने हैं तो वो गूगल पे जाके सर्च करता है, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो डायरेक्टली गूगल पे जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गूगल एडवर्टाइजमेंट चलाना बहुत फायदेमंद रहेगा, और मैं इसको रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो हो तो आपको गूगल ऐड का सहारा लेना होगा। गूगल पर कस्टमर्स खुद आते हैं, जो सर्च करते हैं सर्च इंजन पर आकर खुद सर्च करते हैं। अगर आपको भी कोई चीज खरीदनी है तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, राइट? तो अपनी जो थिंकिंग है उसको बदलिए, आज के जमाने के अकॉर्डिंग चलिए, ना कि पिछले 10 साल पहले के जमाने को देखकर आप आगे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर उसी तरीके को यूज करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेरा फेवरेट है गूगल एड, गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाना आप स्टार्ट करें, और गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, ठीक तरीके से आप टारगेटिंग करेंगे, सही कीवर्ड का चुनाव करेंगे, तो आपके पास कस्टमर्स की बरसात शुरू हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, पॉलिसी बाजार, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल या और बहुत सारी कंपनी है जिनके पास कस्टमर्स खुद आते हैं, उनके पास लीड्स आती हैं, कॉल सेंटर्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं, उनके टेलीकॉलर्स उनको कॉल करते हैं, कहाँ से उनके पास डाटा आता है, यहीं से लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उनके पास कस्टमर्स आते हैं और वहां से वो डील क्लोज करते हैं। तो मेरा फेवरेट है गूगल एड्स। इसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर पर आता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एड का भी सहारा ले सकते हैं। जिन लोगों को एडवर्टाइजमेंट चलाना नहीं आता है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कैसे आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं, कैसे आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं, ये मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाया हुआ है, और साथ साथ मैंने आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। तो आपको किसी डेवलपर को 20,000 30,000 40,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, खुद सीखिए, खुद चलाइए एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आप लाखों रुपये महीना तो खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीख कर, खुद नॉलेज लेकर आप एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तभी आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। आप लोगों के पास पहुंचेंगे तो लोग आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करेंगे, आपके पास लीड्स आएंगी, लीड्स को क्लोज करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। तो अगला जो तरीका मैंने बताया फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद दोस्तों आता है नंबर 5 पे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट आता है। दोस्तों YouTube एडवर्टाइजमेंट को कुछ लोग बहुत हल्के में लेते हैं। YouTube एडवर्टाइजमेंट अगर आप चलाते हैं और आपका कस्टमर आपका ऐड बार बार देखता है, तो यहां से आप एक ब्रांड बनते हैं।
लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, वो आपका एडवर्टाइजमेंट देखकर उनके माइंड में आपका नाम फिक्स हो जाएगा, वो उनको लगेगा कि हाँ अगर मुझे इंक्वायरी करनी है तो आपसे ही इंक्वायरी करनी है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी आप YouTube पर देखते हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बीच में तुरंत ऐड आ जाता है, उसको आप स्किप कर देते हैं, राइट? क्यों आता है? ब्रांडिंग के लिए। अगर आप ब्रांड बनना चाहते हो तो आपको यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना ही होगा। आप सब लोग जानते हैं, आप भी मेरा ऐड बहुत बार देखते होंगे यूट्यूब पर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है अपने बारे में, आप सब लोग जानते हैं मेरे बारे में। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अगर उनको अच्छा लगता है कॉन्टेंट मेरा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है इस 2023 में आप MDRT करें, इस 2023 में आप भी कम से कम 10 लाख रुपए कमाएं, ये मेरा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब आप इस तरीके से वर्क करेंगे, अगर आप ये सारी चीजें सोचेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पांचवा तरीका मैंने बताया YouTube एडवर्टाइजमेंट। छठा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का, छठा तरीका है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग, आप देखते होंगे जब आप सुबह ऑफिस में जाते हैं, आपने अपनी ईमेल खोली, जीमेल जैसे ही खोली उसमें बहुत सारी बल्क ईमेल आई हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट किया, वो ईमेल मार्केटिंग आपको सेंड किया हुआ है। ये ईमेल मार्केटिंग, कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से डाटा खरीद लेते हैं, 1 लाख लोगों का डाटा खरीद लिया मार्केट से, उनको बल्क ईमेल करते हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो डाटा आप परचेज कर रहे हो ये 2 साल 3 साल 4 साल पुराना डाटा है। ये डाटा ऑलरेडी हजारों लोगों को बेचा जा चुका है, तब जाके आपको ये डाटा मिला है और इस पर आप ईमेल सेंड करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हों जो एक्टिव ना हो, कुछ लोग ऐसे हों जिनका ईमेल आईडी चेंज हो चुका हो, राइट? तो ऐसे ईमेल डाटा को खरीद के उस पर ईमेल करके कोई फायदा नहीं है। ये आपके लिए तभी इफेक्टिव हो पाएगा ईमेल मार्केटिंग, जब आप अपना खुद का डाटा क्रिएट करेंगे। और ये डाटा आप कैसे क्रिएट करेंगे, ये करेंगे आप गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड और फेसबुक ऐड के द्वारा, राइट? यहां पर लोग आपसे इंक्वायरी करेंगे, आपके पास इंक्वायरी आ रही है, आपके पास एक इंक्वायरी आई मिस्टर राम, मिस्टर राम की एज 2 साल है, उसका ईमेल आईडी ये है, वो दिल्ली में रहता है, उसको अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए और उसका ईमेल आईडी ये है। तो इस तरीके से जिन लोगों ने गूगल पर एडवर्टाइजमेंट देकर आपका अपना डिटेल सबमिट किया है, तो आपके पास उनका डाटा इकट्ठा होता जा रहा है। आपके पास जो डाटा इकट्ठा होता जा रहा है, इसी तरीके से फेसबुक पर, इसी तरीके से यूट्यूब पर, तो आपके पास ईमेल आईडी और उनके मोबाइल नंबर इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब मान के चलते हैं 1 साल में आपके पास 20,000 लोगों के डाटा इकट्ठा हुआ, 20,000 लोगों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो वो जो 20,000 लोग हैं उनको आप ये वाला ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, उनको आप बल्क ईमेल भेज सकते हो। खरीद के ईमेल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगला आता है बल्क SMS, बल्क SMS। आप देखते हैं आपके पास कितने सारे मैसेज आते हैं मोबाइल पे, मैसेज आते हैं क्योंकि ट्राई ने आजकल रूल बहुत सख्त कर दिए हैं। बल्क SMS भेजने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद ही आप बल्क SMS कर सकते हैं। लेकिन बल्क SMS में आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग अभी तक जो गलती करते थे वो ये कि आपने लोगों के मोबाइल नंबर का डाटा खरीद लिया और उस पर आपने बल्क SMS कर दिए, राइट? उस पर कुछ नंबर DND हैं, कुछ लोग कंप्लेन डाल देते हैं, कुछ लोगों के नंबर चल ही नहीं रहे हैं, तो ये करके कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके पास आपका जेन्यून डाटा होना चाहिए, आपके पास अगर आपका जेन्यून डाटा है तो उस पर आप SMS करेंगे, तभी आपका यहां पर रिजल्ट आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मेरे पास, मैंने एडवर्टाइजमेंट चलाया है गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, मैंने अपने कोर्स के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर को एडवर्टाइजमेंट चलाया, तो मेरे पास 50,000 इंश्योरेंस एडवाइजर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ चुके हैं, वो 50,000 लोग मुझे जानते हैं। सपोज दिवाली पे या होली पे मैंने कोई ऑफर निकाला और वो ऑफर के लिए मैंने बल्क SMS कर दिया उन 50,000 लोगों को, उनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज गया कि होली पर 500 रुपये का डिस्काउंट है, राइट? तो उनके मोबाइल पर गया, उनको अगर कोर्स खरीदना है तो वो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं मुझे। तो बल्क SMS करने का तभी फायदा है जब वो लोग, आपके पास उनका जेन्यून डाटा है। ये तरीका आप कर सकते हैं। इसके अलावा
एडवर्टाइजमेंट जो करने का तरीका है वो है टीवी एडवर्टाइजमेंट, टीवी पर एड देकर। लेकिन दोस्तों ये आप और हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो 1 करोड़ रुपए हैं ना हम 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, राइट। तो ये टीवी एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के लिए है जो जिनकी अपनी खुद की कंपनी है, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देके अपने अपना ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे काम का नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट का तरीका नंबर 9, और ये है, आपने देखा है ऑटो रिक्शा के पीछे लगा रहता है वजन कम करिए, बस के पीछे होर्डिंग लगे रहते हैं, राइट। और मेट्रो स्टेशन पे आप देखते हैं, मेट्रो में भी बहुत सारे तरीके के एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप ज्यादा नहीं, रिक्शा पे, ऑटो रिक्शा पे अपना एडवर्टाइजमेंट पीछे एक पैम्पलेट बना के वो चिपका सकते हो, राइट। ऑटो रिक्शा, राइट, ऑटो रिक्शा होगी, इलेक्ट्रिकल जो ई रिक्शा है, आजकल ई रिक्शा चल रही है, ई रिक्शा पर आप बैनर बना के बैनर उसके बैक साइड में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ अपने लोकल एरिया में सेल करना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट भी, ये वाला तरीका भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा के पीछे आप बैनर प्रिंट करा के वो बैनर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी लोग जब ट्रैवल करेंगे वो देखेंगे आपके बारे में कि मिस्टर दीपक हैं जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनका मोबाइल नंबर ये है, राइट। तो हो सकता है किसी को इंश्योरेंस कराना है तो वो आपका नंबर देख के आपसे कॉन्टैक्ट करें। ये तरीका नंबर 9। और तरीका नंबर 10 है होर्डिंग। रोड पर आपने होर्डिंग लगे देखे हैं? जब आप रोड पर जाते हो, गाड़ी लेकर जाते हो, तो बड़ा सा बैनर लगा होता है, होर्डिंग लगा होता है, राइट। ये होर्डिंग भी आप अपने शहर में लगवा सकते हो। कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, कोई मार्केट है, कोई शॉपिंग मॉल है, उसके सामने आप लगा सकते हो, ठीक है। बट ये होर्डिंग लगाने में भी सही है, लेकिन खर्चा आता है, राइट। तो ये तरीके जो मैंने आपको 10 तरीके बताए, इन 10 तरीकों को यूज करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, आप लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये 10 तरीके में से अगर आप पूछना चाहेंगे कि सर आप क्या रिकमेंड करते हो, आपका फेवरेट क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरा फेवरेट है गूगल एडवर्टाइजमेंट। गूगल एडवर्टाइजमेंट पर लोग खुद सर्च करके आ रहे हैं, यहां से हमें बहुत अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेसबुक एड मेरा फेवरेट है, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट भी मेरा फेवरेट है, और वेबसाइट तो हर किसी के पास होना ही चाहिए, राइट। तो ये तरीके अगर आप अपनाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी बिजनेस में हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस में, आप किसी भी बिजनेस में हैं, कोई भी बिजनेस है आपका, उस बिजनेस के लिए आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए। तो इन 10 तरीकों में से आप ये जो तरीके मैंने बताए, ये तरीके यूज करेंगे तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे, आप खुद में अपने शहर में अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे और आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। साइड में जो घंटी का बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और आप में से जो दर्शक मुझे मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और संडे में आप लोगों के लिए लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।